गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आज मैं आपको क्लास फोर्थ का टॉपिक लिविंग टुगेदर समझाने वाली हूँ. लिविंग टुगेदर क्या होता है? लिविंग टुगेदर मतलब साथ में रहना. लिविंग मतलब रहना, टुगेदर मतलब साथ साथ. फैमिली सबसे पहला है हमारा. फैमिली, फैमिली क्या होता है? फैमिली मैंने जैसे बताया था, परिवार बोलते हैं, जिसमें हम सब एक साथ रहते हैं. अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. एक फैमिली वो होती है जिसमें बहुत सारे लोगों के ग्रुप होते हैं, रिलेटेड टू वन अनदर, और वो एक दूसरे से संबंध रखते हैं. हु लिव इन द सेम हाउस, और वो किस में रहते हैं? एक ही हाउस में रहते हैं. मतलब एक साथ, एक ग्रुप में एक साथ रहते हैं और उनका आपस में कोई ना कोई संबंध होता है. ठीक है, फिर है टाइप्स ऑफ फैमिली. फैमिली की कितनी टाइप्स होती है? फैमिली की हमारी कितनी टाइप्स होती है? टू टाइप्स. कितनी टाइप्स होती है? टू टाइप्स. पहला होता है न्यूक्लियर फैमिली, फिर होती है हमारी ज्वाइंट फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली होती है हमारी, हमारा हिंदी में बोलते हैं इसे एकल परिवार. क्या बोलते हैं? एकल परिवार. और ज्वाइंट फैमिली को बोलते हैं हम संयुक्त परिवार. क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार. न्यूक्लियर फैमिली, इसके भी हमारे दो पार्ट्स रहते हैं. इसमें होता है स्मॉल न्यूक्लियर और बिग न्यूक्लियर. एक होता है स्मॉल न्यूक्लियर और एक होती है बिग न्यूक्लियर. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है? उनके बच्चे और उनके माँ बाप. मतलब एक छोटी फैमिली होती है कि उनमें केवल उनके बच्चे रहते हैं और उनके परिवार, उनके मम्मी पापा रहते हैं बस, और दादा दादी वो कोई नहीं रहता. ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप्स है हमारी, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली और बिग न्यूक्लियर फैमिली. स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली में क्या होते हैं? वन और टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स. केवल एक और दो बच्चे होंगे और वो सब क्या, और उनके पेरेंट्स होंगे और वो सब साथ रह रहे होंगे. फिर है बिग न्यूक्लियर फैमिली. बिग न्यूक्लियर फैमिली में क्या है? मोर देन टू चिल्ड्रन लिव विद देयर पेरेंट्स. मतलब दो से अधिक बच्चे और उनके पेरेंट्स सब साथ रह रहे हो. फिर है हमारा ज्वाइंट फैमिली. अब ज्वाइंट से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जिसमें सारे के सारे फैमिली एक साथ रह रही हो. जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, चाचा चाची हो गए, मामा चाचा चाची हो गए, बुआ और हो गए, ये सारे एक ही फैमिली में हमारे एक ही साथ रह रहे हो. अब ज्वाइंट फैमिली के भी हमारे टू पार्ट्स होते हैं, स्मॉल ज्वाइंट और बिग ज्वाइंट. पहला हमारा स्मॉल ज्वाइंट फैमिली. स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अ ब्रदर लिव टुगेदर. मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, मतलब हमारे दादा दादी होंगे, हमारे खुद के मम्मी पापा, और मम्मी पापा के जो भाई है, मतलब मेरे हमारे दादा के और बेटे या फिर बेटियां हैं, वो सारी एक साथ रहेंगी. फिर है बिग ज्वाइंट फैमिली. बिग ज्वाइंट फैमिली में क्या है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स भी रहेंगे, पेरेंट्स भी रहेंगे, पेरेंट्स की जो सिस्टर रहेंगे वो भी रहेंगे, और जो हमारे चाचा चाची मतलब अंकल्स एंड आंट रहेंगे वो भी साथ रहेंगे. ताऊ ताई, चाचा चाची एंड देयर चिल्ड्रन, और उनके बच्चे भी साथ में रहेंगे. लिव टुगेदर मतलब ये सारे एक साथ रहेंगे, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके भी बच्चे, और हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, मतलब ये सारे एक साथ रहेंगे. वो हमारी बिग ज्वाइंट हो गई. एक स्मॉल ज्वाइंट है जिसमें केवल हमारे पेरेंट्स आएंगे और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे और उनके ब्रदर रहेंगे. ठीक है, बिग ज्वाइंट हो गई कि हमारे मम्मी पापा भी रहेंगे, दादा दादी भी रहेंगे, उनके उनके दादा दादी दादा दादी के और बच्चे भी रहेंगे, जैसे हमारे चाचा हो गए, ताऊ हो गए, हमारी बुआ हो गई, फिर उनके भी जो बच्चे हुए वो भी मतलब सारे साथ रहेंगे. वो हमारी हो गई बिग ज्वाइंट फैमिली. देखिए एक चार्ट दे रखा है, दिखा रखा है मैंने. पहले हमें पता होना चाहिए एडॉप्शन क्या होता है. एडॉप्शन होता है, एडॉप्शन इज अ प्रोसेस बाय विच कपल्स लिंगुअली बिकम्स द पेरेंट्स ऑफ एन ऑर्फन. मतलब कई कई पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे नहीं होते तो वो गोद ले लेते हैं, अनाथालय से गोद ले लेते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? एडॉप्शन. जो मतलब बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं, और फिर मतलब होता है हमारा अनाथालय. अनाथालय से जो हम बच्चे एडॉप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एडॉप्शन. उसे क्या बोलते हैं? एडॉप्शन. ठीक है, अब उसके बाद है हमारे मदर्स की फैमिली जो होती है वो कैसे होती है.
माई मदर फैमिली, क्या बोलेंगे पहले, जो मदर मदर की साइड की फैमिली होती है उन्हें क्या बोलते हैं, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, क्या बोलते हैं, मैट जो हमारे नाना नानी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो उनके